खरगोन जिले की भगवानपुरा तहसील कार्यालय में नगर के महाराष्ट्रीन गोपाल धनगर समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार नरेंद्र मुवेल को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के अहमदनगर के कोहड़ी गांव में महाराष्ट्रीन गोपाल धनगर समाज की महिला संध्या सुभाष गौहाने के साथ कोहड़ी पारनेर निवासी आरोपी गोविंद उर्फ पप्पू सुरेश द्वारा छेड़छाड़ कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। समाजजनों ने फांसी की सजा की मांग की। महिला की हत्या से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। ज्ञापन सौंपने सरवर देवला, बनहेर, दामखेड़ा, रोमचिचली, सामरपट, काबरी से भी समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान गोपाल समाजित महासंघ के अध्यक्ष शिवदास पाटिल, दिनेश महाजन, उपसरपंच सुनील यादव सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। भगवानपुरा से सूर्य प्रताप सिंह की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पारनेर तहसील की काकड़ी गांव में श्री संध्या सुभाष गवाने इस महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। 13 बार चाकू से वार करके उनकी हत्या कर दी गई। हत्यारे गोविंद उर्फ पप्पू सुरेश धवन, इस हत्यारे ने 13 बार चाकू से हमला करके उनकी हत्या कर दी, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए एवं उसको फांसी की सजा दी जाए। इस तरह का ज्ञापन हम महामहिम राष्ट्रपति के नाम एवं केंद्रीय गृहमंत्री जी के नाम सौंप रहे हैं और उसको कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। अहमदनगर जिले के पारनेर तहसील के कोहकड़ी गांव में समाज की बहन बेटी हमारी संध्या पति सुभाष गवाने को असामाजिक तत्व द्वारा, जिसका नाम पप्पू है, उर्फ गोविंद सुरेश धवन, वहीं का निवासी होकर महिला हमारी बहन के ऊपर गलत नज़र डालता था। इसका विरोध महिला ने करा, तो महिला द्वारा विरोध करने पर उसने चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतारा है। इस संबंध में हम राष्ट्रपति महोदय के तहसील के नाम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि उक्त व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा होकर फांसी की सजा हो। यदि ऐसा न हुआ तो हमारे समाज द्वारा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ द्वारा आक्रोश रूप में रैली निकाल कर इस संबंध में हम और भी बड़ा कदम